आजकल राजनीति का मिजाज कुछ बदला बदला सा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 28 जून यानी कि आज से बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन आज सदन के बाहर कुछ अनोखी कुछ अजीब सी तस्वीर देखने को मिली। और आपको बता दें कि आज राबड़ी देवी सदन में शामिल होने के लिए पहुंची थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो कहा वो काफी आश्चर्यजनक था। पूरी खबर पर बात करने के चलेंगे मेरे सहयोगी गौतम के पास। बिल्कुल सिप्रा, जिस तरीके से राबड़ी देवी का मिजाज भी काफ़ी बदला बदला सा दिखा और बहुत दिनों बाद लगातार मोदी के ऊपर अटैक करने वाली राबड़ी देवी आज अपनी ही जुबान से मीठी आवाज़ से ये कह रही थी कि मोदी की जो बातें हैं वो अच्छी लगने लगी है, तो कहीं ना कहीं राजनीति किस करवट बैठेगी ये कहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरीके से झमाझम मानसून के दौरान जब मानसून सत्र की शुरुआत होती है तो कह सकते हैं कि मिजाज बदल ही जाता है, और न जाने क्यों राबड़ी देवी को मोदी अच्छे लगने लगे ये कह सकते हैं, क्योंकि मोदी ने जो सदन में कहा था कि इस आधुनिक युग में अगर हम चमकी बुखार जैसे बीमारियों से अगर नहीं लड़ सकते, उसके रोकथाम के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो ये सरकार की विफलता है। और राबड़ी देवी ने इसको एक्सेप्ट किया है और मोदी के एक एक बात को उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जितनी बातें कही है वो अक्षर से सही है। यानी कि पहला ऐसा मौका होगा जब राबड़ी देवी पीएम मोदी की तारीफ पब्लिकली कर रही हूँ, पब्लिक डोमेन में कर रही हूँ, और सदन के बाहर उनका एक एक शब्द जो है वो मीडिया बहुत कैमरों की नज़रों से कैच कर रहा था। तो कहीं ना कहीं जो राबड़ी देवी नीतीश कुमार की कभी तारीफ करती थी और मोदी के ऊपर गंभीर आरोप लगाती रही थी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, पूरा राजद परिवार जो है लगातार मोदी के ऊपर अटैक करता रहा हो, तो ऐसे में इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब आने वाला जो 2020 का जो चुनाव होगा उसमें राजनीति किसके किसके साथ कौन कौन जो है गठबंधन करेगा ये कहना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी क्योंकि सत्र अभी लंबा है और एक महीने का है, तो एक महीने के दौरान क्या कुछ सामने आता है ये बहुत बड़ा सवाल होगा। तो कहीं ना कहीं शुरुआत में ही राबड़ी देवी ने जो इशारा किया है उस इशारा को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि तेजस्वी यादव पिछले एक महीने से लापता हैं और राजनीति में वो क्या दाव खेलने वाले हैं ये भी दिलचस्प होगा। क्योंकि आप देखें कि लालू प्रसाद यादव भी साइलेंट है, मोदी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे हैं, नीतीश सरकार के ऊपर भले ही उन्होंने हमला किया हो, तो कहीं ना कहीं अब एक नई राजनीति, एक नई शुरुआत कह सकते हैं कि ओर इशारा कर रहा है सिप्रा। बिल्कुल, तो बता दें कि आज मॉनसून सत्र की शुरुआत थी और सदन के बाहर काफी हंगामे तो हुए ही, चमकी बुखार को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। और इसी बीच जब मीडिया से मुखातिब हुई राबड़ी देवी, तो उन्होंने सदन में जो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सबके नेता हैं और उन्होंने उनकी तो तारीफ की, हाँ हालांकि नीतीश कुमार को चमकी बुखार पर घेरा लेकिन पीएम मोदी के लिए कुछ भी नहीं बोला। अभी के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी न्यूज़।